तो माफिया मुख्तार को मिट्टी में दफन कर दिया गया है। 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक कहीं भी अफशा अंसारी की खबर निकलकर सामने नहीं आई। दावा किया जा रहा है कि कल रात अफशा ने परिवार को फोन किया, जनाजे में ना शामिल हो पाने के लिए खुद को कोसती रही। वहीं दूसरी तरफ लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे अतीक की बेगम शाइस्ता बेबस थी, अफशा अंसारी का हाल भी ठीक वैसा ही है। दो बेगम दो डॉन, अफशा पर 75,000, शाइस्ता पर 1,00,000 इनाम। माफिया की बेबस बेगम, दोनों ने इश्क किया था, दोनों ने लव मैरिज की। एक अतीक की शाइस्ता बनी, दूसरी मुख्तार की बेगम। लेकिन मोहब्बत का जनाजा निकला तो बेगम कब्र पर मिट्टी देने भी नहीं पहुंची। दरअसल शाइस्ता की तरह अफशा भी मुख्तार के जनाजे में शामिल नहीं हुई। हालांकि सूत्र दावा कर रहे हैं कि मुख्तार को दफनाए जाने के बाद रात में ही अफशा ने अपने बेटे उमर और अब्बास की पत्नी निखत से बात की थी और इस दौरान वो जनाजे में शामिल ना हो पाने के लिए खुद को कोसती रही। अतीक की तरह ही माफिया मुख्तार भी मिट्टी में दफन हो गया और उसके साथ दफन हो गई माफिया की वो दहशत जिसके दम पर अतीक मुख्तार जैसे अपराधियों ने काला साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन एक चर्चा अब जनता के बीच खूब हो रही है। चर्चा का केंद्र है दोनों माफिया की फरार बेगम। अतीक की बेगम शाइस्ता 1,00,000 की इनामी है जबकि मुख्तार की बीवी अफशा 75,000 की इनामी। शाइस्ता ही अतीक के जेल जाने पर गैंग चलाती थी जबकि मुख्तार के जेल जाने के बाद अफशा के हाथों में गैंग की कमान थी। शाइस्ता पर 4 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अफशा पर कुल 11 FIR है। शाइस्ता और अफशा दोनों के डॉन पति मारे गए लेकिन दोनों माफिया के जनाजे में शामिल नहीं हुए। वजह साफ है, शाइस्ता और अफशा दोनों को पुलिस तलाश रही। अगर शौहर के जनाजे में वो शामिल होती तो पकड़ी जाती। यही वजह है दोनों ने जनाजे से दूरी बनाए रखी। बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब अफशा अंसारी ही गैंग के सारे फैसले लेने लगी। मुख्तार जेल से जो भी हुक्म सुनाता उसको गैंग मेंबर्स से पालन करवाने की जिम्मेदारी भी निभाने लगी। अब मुख्तार मिट्टी में मिल चुका है, ऐसे में अफशा का 40 दिन तक किसी के हाथ आना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। दरअसल शौहर की मौत के बाद बेगम को 4 महीने 10 दिन की इद्दत करनी होती है। इद्दत में वो सिर्फ मरहम यानी पिता और भाई से ही मिल सकती है। यानी 4 महीने तक अफशा किसी को नजर नहीं आने वाली। अफशा और शाइस्ता की तरह ही दोनों माफिया के बड़े बेटे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल किसी भी धर्म में पिता को बड़े बेटों के हाथों ही मोक्ष मिलता है। लेकिन मुख्तार और अतीक की बदकिस्मती देखिए, उनकी कब्र पर दोनों के बड़े बेटे मिट्टी भी नहीं देने आ पाए। दरअसल अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है जबकि मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास कासगंज जेल में बंद है। अतीक और मुख्तार दोनों की मौत के बाद उनके बड़े बेटों को पिता के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। यानी अतीक मुख्तार जैसे माफिया ने जिंदगी भर दूसरों के घर जलाए, कोखे सुनी की सिंदूर उजाड़े। वक्त का खेल और कुदरत की लेख ही देखिए, उनके आखिरी वक्त न बीवी मौजूद मिली न बड़े बेटों के हाथ कब्र पर मिट्टी नसीब हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो माफिया मुख्तार अपनी मूछों से बहुत प्यार करता था। वो अक्सर मीडिया के सामने आता और मूछों पर ताव देता हुआ नजर आता। मौत के बाद भी उसकी ये हरकत और ये हसरत जो है वो पूरी की गई है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आप देखेंगे मुख्तार का बेटा उमर उसकी मूछों को ताव दे रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मुख्तार के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी हो रही थी।
देखिए कैसे माफिया की मूछों को ताव दिया जा रहा है।